हेलो गाइस, यदि आपने नया या फिर पुराना डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदा है जिसे आप अपने सीपीयू से मॉनिटर कीबोर्ड माउस को फिट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने कोई नया या पुराना यूपीएस बैटरी लिया है जिसे आप अपने कंप्यूटर से सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। जी हाँ गाइस, नमस्कार, मैं हूँ पुष्पराज और यहाँ करेंगे सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज की बात, क्योंकि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज। तो गाइस, आज के स्टूडियो में हम लोग जानेंगे सीपीयू से मॉनिटर कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करना और मॉनिटर सीपीयू कीबोर्ड माउस को यूपीएस बैटरी से कनेक्ट करना। इन सभी के अलावा जानेंगे अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना और उस कंप्यूटर को आप करना। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक मॉनिटर है, यहां कीबोर्ड है और यहां माउस है और यहां पर मैंने रखा है सीपीयू, और साथ ही आप बगल में देख सकते हैं फ्रंटेक का मेरे पास सिंगल बैटरी का एक यूपीएस बैटरी भी है। तो चलिए, आज के स्टूडियो में मैं आप लोग को पहले बताऊंगा इस सीपीयू से मॉनिटर कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करना, उसके बाद जानेंगे इन सभी चीज़ों को यूपीएस से कैसे कनेक्ट करते हैं और साथ ही फिर इसको स्टार्ट और बंद करना। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे सीपीयू से मॉनिटर कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले केबल दिखाई दे रहा है, इस केबल को कहते हैं पावर केबल, क्योंकि ये एक्सटेंशन बोर्ड से आपके सीपीयू में पावर भेजने का काम करता है। तो चलिए, सबसे पहले इसको फिट करने के लिए आप अपने सीपीयू को इस प्रकार से उल्टा घुमा लेंगे। घुमा लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पोर्ट जो दिखाई दे रहा है, तीन छेद वाला, इसको आपको इस पिन पर लगा देना है जो मेरे सीपीयू के सबसे नीचे हिस्से में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा दबा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ऊपर में रख दे रहा हूँ। तो चलिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं नेक्स्ट केबल के बारे में। तो इस केबल को बोलते हैं डेटा केबल, या फिर इसी को बोला जाता है वीजीए केबल, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक्स अरे, या फिर वीडियो ग्राफिक्स अरे भी बोलते हैं। ये जो केबल है, या जो आपके सीपीयू के अंदर जो भी प्रोग्राम वीडियो वगैरह चलता है उसको मॉनिटर में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसी केबल के थ्रू इसमें चलने वाली प्रोग्राम हमको मॉनिटर में नज़र आता है। तो चलिए, इस केबल को भी लगाना जानते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो केबल के इस हिस्सा में ये पोर्ट दिखाई दे रहा है, सेम पोर्ट उस हिस्सा में भी है जो मॉनिटर पे लगा हुआ है। तो चलिए, इस हिस्सा को कैसे लगाते हैं हम जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे पिन होता है जो बहुत ही नाजुक होता है, तो इसको थोड़ा सावधानीपूर्वक लगाना होता है। तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रिप्ट के हिसाब से इसको इस प्रकार से लगा देंगे और फिर स्क्रू को ऐसे इस प्रकार से घुमा के टाइट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा काम भी कम्प्लीट हो चुका है, हमने डेटा केबल को मॉनिटर और सीपीयू के बीच कनेक्ट कर लिए हैं। अब हम लोग जानते हैं माउस को कनेक्ट करना। तो यहाँ पर हम लोग माउस का ये जो केबल है इसको भी लेते हैं, और ये जो केबल होता है इस पोर्ट को यूएसबी बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो आपके मोबाइल चार्जर में भी अवेलेबल होता है। तो चलिए, इसको भी लगाना जानते हैं। कैमरा मैन यहाँ फोकस करेंगे और ये देखेंगे इस प्रकार से इसको ऐसे लगा देना है। उसी प्रकार यहाँ पर कीबोर्ड का ये जो यूएसबी पोर्ट है इसको भी हमको इसको यहाँ सीपीयू के पिछला हिस्सा में किसी भी पोर्ट पर लगा देना है, पहला में, दूसरा या तीसरे में लगाना ऐसा नहीं होता है, ठीक है, किसी पर भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपका जो मॉनिटर का पावर केबल है इसको भी आप मॉनिटर के पीछे साइड कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका सीपीयू का पावर केबल हो गया, ये मॉनिटर का, हमारा जो कंप्यूटर है सीपीयू से कनेक्ट हो चुका है, मतलब सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो अब आप सीपीयू को सीधा कर सकते हैं, इस प्रकार से घुमा लेंगे, और घुमा लेने के बाद आप इस तार को व्यवस्थित कर लेंगे ताकि आपको कंप्यूटर चलाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद अब आप चाहें तो इसे प्लग इन करके अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, जो कि मेरे पास यूपीएस बैटरी है। तो मैं आप लोग को यूपीएस से कंप्यूटर कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं ये बतला रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग यूपीएस को उल्टा घुमा लेते हैं, कैमरामैन फोकस करिए। अब यहाँ पर जो ये पोर्ट दिखाई दे रहा है प्लगइन, इसी पे हमको इस प्रकार से लगा लेना है। मैंने सीपीयू का पावर केबल लगा दिया, अब मॉनिटर का लगा दे रहा हूँ। लगा लेने के बाद आपको यूपीएस बैटरी को इस प्रकार से घुमा लेना है, मतलब सीधा कर लेना है। उसके बाद आप यूपीएस बैटरी को ऑन करने के लिए जो यूपीएस का पावर बटन इसे प्रेस किए रहेंगे, और जैसे प्रेस करते हैं तो देखेंगे चालू हो जाता है। उसके बाद आपके मॉनिटर पर लाइट आ जाता है और आपके सीपीयू पर भी लाइट आ जाना चाहिए। लाइट नहीं आया है, मतलब ये आप ये पावर बटन प्रेस करके इसे ऑन कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर लिखा स्टार्ट विंडो नॉर्मली, यहाँ पर इंटर कर देते हैं और हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा वेट करेंगे
और आप यहाँ पर देखेंगे बीच बीच में ये जो UPS बैटरी है ये आवाज़ निकाल रहा है, आवाज़ निकाल रहा है, कहने का मतलब ये है कि भैया मैं बैटरी हूँ, मेरे को भी चार्ज लगता है, मेरे को भी चार्ज करो करके बोल रहा है। तो इसका जो पावर केबल है, यहाँ आप थोड़ा फोकस करिए, ये जो UPS का पावर केबल है इसको हमें क्या करना है, यदि लाइट है तो ये एक्सटेंशन बोर्ड से इसे लगा देना है और यहाँ से पावर आपको ऑन कर लेना है, मतलब बटन ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपके UPS बैटरी चार्ज हो रहा है। अब ये हम कैसे जानते हैं, जब हमारे बैटरी से आवाज़ निकलना बंद हो जाता है, चिल्लाना बंद कर देता है, मतलब समझ जाइए कि आपका UPS बैटरी चार्ज हो रहा है, लाइट अभी है। तो देख लीजिए हमारा जो कंप्यूटर है वो चालू हो चुका है। तो इस प्रकार आप भी बेहद आसान तरीके से कंप्यूटर को सेटअप कर सकते हैं, साथ UPS से भी कनेक्ट करना सीख गए होंगे। तो चलिए अब इस सिस्टम को कैसे बंद करते हैं ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट कंट्रोल अल्टर डिलीट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है शट डाउन, शट डाउन पर क्लिक कर लेना है या फिर आप अपने शट डाउन बटन प्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी आप कंप्यूटर बंद कर लेंगे। इसके बाद सही तरीका यह है कि आप UPS बैटरी को भी ऐसे प्रेस करके बंद करेंगे और ये देखेंगे UPS बैटरी भी बंद हो जाता है। तो इस प्रकार आप अपने कंप्यूटर को UPS बैटरी को बंद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप अपने कंप्यूटर को फिट करना, सेटअप करना सीख गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।